हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी अकेडमी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज फ्रेजल वर्ब। आगे ये फ्रेजल वर्ब्स आपको एसएससी एग्जाम्स में, बैंक के एग्जाम के भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में भी आपके लिए यूजफुल जरूर होगा, आई होप सो। ठीक है, चलिए आज का फ्रेजल वर्ब का पहला देखते हैं। और हाँ, कल के वर्ड मीनिंग में एक स्पेलिंग गला था ऑप्शन में, टैलेंट जो हम लिख दिए थे TELENT, तो ये गलत है, आपका ये सही है, प्लीज उसको सुधार लीजिएगा अगर आप लोग नोट करते हैं कॉपी में तो। ठीक है, चलिए TALENT, ठीक है, ये वर्ड मीनिंग ध्यान रखिएगा। प्लीज आप लोग भी कमेंट करिएगा अगर आप लोग को गलत लगता है तो, क्योंकि गलत सीखना नहीं है कुछ भी। ठीक है, एग्जाम में अगर आप गलत यहाँ से ही सीख कर जाइएगा तो एग्जाम में भी आप गलत ही करिएगा। तो प्लीज गलत अगर आपको कहीं पर लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आपका है TALENT, कल के एंटो साइनो का ये वर्ड मीनिंग है। चलिए देखते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब होता है फैल जाना, फैल जाना, अचानक से फैल जाना, टू अ स्प्रेड सडनली। ठीक है, सडनली टू स्प्रेड सडनली मतलब कि अचानक से फैल जाना, बढ़ जाना, जैसे कोई भी न्यूज होता है वो तुरंत फैल जाता है, या आग है वो तुरंत फैल जाता है। द फायर द अमेजॉन फायर ब्रोक आउट दिस ईयर, दिस ईयर अमेजॉन के जंगल में जो आग लग गया था, अमेजॉन फायर ब्रोक आउट दिस ईयर, इस साल जो है फैल गया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा फैल गया था अमेजॉन फायर, अमेजॉन के जंगल में जो है वो आग फैल गया था इस साल। ब्रोक आउट मतलब ये पास्ट में आपका सेंटेंस है, यहाँ है देखिए ब्रेक आउट, ब्रेक आउट मतलब कि फैल जाना, टू अ स्प्रेड सडनली। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पुट अप विथ, पुट अप विथ मतलब होता है बर्दाश्त करना, क्या होता है बर्दाश्त करना, किसी को सहना, टू बियर बर्दाश्त करना, टू बियर बर्दाश्त करना। वी नेवर पुट अप विथ एनीवन्स मिस्टेक, हमें दूसरों की गलतियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी नेवर पुट अप विथ एनीवन्स मिस्टेक, हमें किसी के भी गलती को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत है तो आप बता दीजिएगा प्लीज गलत है, वो कोशिश करेगा कि वो इस गलती को सुधार सके। जैसे कि अभी हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो है हम गलत लिख दिए थे, तो यहाँ पे प्लीज आप लोग सुधार लीजिएगा, कल के साइनो एंटो का ये वर्ड मीनिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अर्न फॉर मतलब होता है तीव्र लालसा होना, जिसे अभी आप लोग के मन में है कि हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और हमें रिजल्ट चाहिए, तो ये है आपका लालसा होना, तीव्र लालसा होना, और उस रिजल्ट को पाने के लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। तो प्लीज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। स्टिक अप फॉर मतलब होता है समर्थन करना, समर्थन करना, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट मतलब क्या होता है समर्थन करना। माई ब्रदर Always sticks up for me मतलब मेरा भाई जो है हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरा समर्थन करता है, हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पास अवे मतलब होता है मर जाना, पास अवे ठीक है, पास अवे मतलब होता है मर जाना। अब इसको एग्जांपल में कैसे समझेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी पास्ट अवे, पास्ट अवे ठीक है, अटल बिहारी जी जो है, यहाँ पर जी लगा लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी पास्ट अवे मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो मर गए। ठीक है, कौन से ईयर में मर गए थे वो आप लोग देखिएगा, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि उन्हें भारत रत्न भी मिला है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्हें भारत रत्न कब मिला था।
ठीक है, तो ये है आज का आपका बाबा ज्ञान। आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल होगा, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल होंगे। ठीक है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सब शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।